जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र नेता शहला राशिद ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। ये वही हैं जिन पर साल 2019 में राजद्रोह का आरोप लगा था। साल 2016 में इन्होंने देश विरोधी नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार और उमर खालिद की रिहाई को लेकर आंदोलन करने वाले एक छात्र संगठन का नेतृत्व भी किया था। अब अचानक इनके सुर बदल गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन है शहला राशिद और क्या है पूरा मुद्दा और क्यों वो सुर्खियां बटोर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी, आपके साथ लोकमत हिंदी में आप सभी का स्वागत है। शहला राशिद के ट्विटर अकाउंट को देखें तो ये एक रिसर्चर हैं। वो JNU छात्र संघ की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं और अखिल भारतीय छात्र संघ की सदस्य भी रह चुकी हैं। इसके अलावा वो एक मानव अधिकार कार्यकर्ता भी हैं। कश्मीर में पैदा हुई शहला राशिद का नाम उस समय सुर्खियों पर आया जब 2016 में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए JNU के छात्र कन्हैया कुमार और उमर खालिद और अन्य की रिहाई को लेकर आंदोलन करने वाले एक छात्र संगठन का उन्होंने नेतृत्व किया। कश्मीर के बिगड़ते हालातों और मानवाधिकारों को लेकर भी शहला अपनी आवाज हमेशा उठाती रही है। शहला ने 18 अगस्त 2019 को कई ट्वीट करते हुए सेना पर सवाल खड़े किए थे और कश्मीरियों पर अत्याचार करने के आरोप लगाए थे। हालांकि सेना ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने शहला राशिद के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। शहला राशिद हमेशा BJP सरकार और RSS की विचारधारा का विरोध करती रही हैं। शहला ने NIT श्रीनगर से इंजीनियरिंग की और उसके बाद उन्होंने JNU में एडमिशन लिया। JNU से निकलने के बाद उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत करते हुए जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया, लेकिन जल्द ही उनका पार्टी से मोह भंग हो गया और उन्होंने प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए शाह फैसल की पार्टी जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट का दामन थाम लिया। हालांकि राजनीति में शहला को खास सफलता नहीं मिली। पार्टी के टिकट पर शहला ने चुनाव भी लड़ा था लेकिन कामयाबी नहीं मिली, तो उन्होंने राजनीति से तौबा कर ली। मोदी सरकार की हर वक्त आलोचना करने वाले शहला ने मोदी सरकार के अचानक से कसीदे पढ़े जो कि चौंकाने वाली खबर थी। दरअसल हुआ यूं कि शहला राशिद ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस बात को स्वीकार करना भले ही असुविधाजनक हो लेकिन कश्मीर में मानवाधिकार रिकॉर्ड में सुधार हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के स्पष्ट रुख ने कुल मिलाकर जीवन बचाने में मदद की है, यही मेरा दृष्टिकोण है। इतना ही नहीं, शहला राशिद ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी के भाई रईस मट्टू के वीडियो को शेयर किया जिसमें रईस मट्टू ने भारतीय तिरंगे को लहराने की बात कही और यहां तक कि उसने जम्मू कश्मीर में विकास लाने के लिए BJP सरकार की प्रशंसा भी की। रईस हिजबुल आतंकी जावेद मट्टू का भाई है जो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की सूची में शीर्ष पर है। 14 अगस्त को रईस का अपने घर से तिरंगा लहराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद उस वीडियो को रीट्वीट कर शहला राशिद ने मोदी सरकार के काम की तारीफ की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।